हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल शाम से मुंबई में बारिश हुई और देर रात भारी बारिश हुई और जिसकी वजह से मुंबई के असलफा इलाके में बताया जा रहा है कि नाले में एक महिला के गिर जाने से हड़कंप मचा हुआ है इस इलाके में। देर रात से वो महिला गायब है और बताते हैं कि वो महिला किसी खुले नाले में गिर गई थी, जिसको जो है तलाशा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नाले हैं, ड्रेन हैं, उनको जो है यहाँ मशीनें लगा करके उनकी सफाई की जा रही है। देखा जा रहा है उस महिला की तलाश की जा रही है। मुंबई का ये असलफा इलाका है। तस्वीरें मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मंगवाई गई हैं, फायर ब्रिगेड के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं और जो बीएमसी है, बीएमसी की तरफ से भी यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है और उस महिला की तलाश की जा रही है। मुंबई में देर रात भारी बारिश हुई थी, शाम से बारिश की शुरुआत हुई थी और रात में भी भारी बारिश हो रही थी। उसी वक्त असलफा के इस इलाके से एक महिला गायब हुई और उसके बाद लोगों को आशंका है कि वो महिला इस तरह से किसी नाले में गिर गई है और वो बहकर कहीं चली गई है। इसको देखते हुए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वो जो इलाके के नाले हैं वहाँ पर सफाई की जा रही है। देख सकते हैं कि ये जो असलफा मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जो नाले हैं उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ पर उसे तोड़ रहे हैं, नाले को खोला जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि कहीं वो महिला इस नालों में कहीं पर है या फंसी हुई है। तो देर रात मुंबई के असलफा इलाके में ये घटना हुई है। करीब 35 साल की एक महिला को बताया जा रहा है कि वो गायब हुई और हो सकता है कि जब देर रात भारी बारिश हो रही थी वो किसी नाले में गिरी है और वो बहकर किसी नाले में गई है। आशंका के साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस के जवान और बीएमसी के लोग उस महिला की तलाश में जुटे हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।